दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसी प्लान को डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा प्लान है और जिसका साइज है 15x45। हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमें कमेंट किया था सर 15x45 का एक प्लान चाहिए जिसमें सारी चीज़ें हों और एक फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिले। तो उन्हीं के कहने पर इस मॉडल को मैंने डिजाइन किया है। तो बनने स्टूडियो में लगातार मैं हूं झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते हैं और मैंने यहाँ पर एक पेड सर्विस स्टार्ट की है। इस पेड सर्विस के थ्रू आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके आपके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ, जहाँ पर आप हमें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप बता कर मैं आपका हाउस क्रिएट कर देता हूँ। लेकिन वहाँ पर आपको 50% पेमेंट एडवांस देना है होता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलो आज का जो मॉडल है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल से मैं जूम करके दिखा देता हूँ जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिल जाए इस मॉडल का। इस मॉडल में जो मैंने क्रिएट किया है वो कैसे चीज़ें हैं। देखिए रेलिंग की अगर हम बात करें तो रेलिंग आप बहुत ही सिंपल सा और स्टाइलिश सा देख रहे होंगे, और वहीं अगर बात करें विंडो या डोर की वो भी आप देख रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम ग्राउंड फ्लोर डिस्कस करते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर डिस्कस करने से पहले मैं स्ट्री को हटा देता हूँ। जैसे मैं स्ट्री को हटा देता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे इसका आप ग्राउंड फ्लोर कैसा आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए इसका ग्राउंड फ्लोर, फ्रंट में रोड है और इसके बाद आपको सीढ़ियाँ मिल जाती हैं, मेन डोर मिल जाए जिससे आप एंट्री करेंगे। आपको मैंने कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पर आप एक विंडो दे सकते हैं प्रॉपर तरीके से जिसमें आपके घर को एक लुक और देखने को मिले। जैसे आप मेन डोर से एंट्री करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मिल जाता है एक हॉल टाइप का जिसे पार्किंग एरिया भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने और कुछ यहाँ नहीं डिजाइन किया है। इस पार्किंग एरिया से देखिएगा ये पार्किंग एरिया आपको मिल जाता है। हालाँकि यहाँ पर आप स्टेयर भी क्रिएट कर सकते थे, सीढ़ियाँ आप यहाँ से बना सकते थे, लेकिन जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ से नहीं था। यहाँ इन्हें केवल पार्किंग चाहिए था। इसके बाद आपको बेडरूम मिल जाता है, देखिएगा इसी मैंने विंडो और गैलरी ये आप देख रहे हैं 4 फीट का यहाँ से डोर दिया। जैसे आप आगे बढ़ते फिर आपको स्टेयर्स मिलती हैं जिससे आप चढ़ेंगे फिर टर्न होकर वापस आएंगे, उसी के नीचे आपका लेट बाथ का माइंड मैंने क्रिएट किया। दोस्तों अगर आप ये स्टेयर यहाँ पर फिट करते हैं तो ये वाला एरिया जो आपका बनेगा डाइनिंग हॉल टाइप का बन जाएगा, और क्योंकि पीछे एक आपको बेडरूम और इस कॉर्नर पर आपकी किचन मिल जाती है तो एक किचन और एक बड़ा सा बेडरूम अगर पीछे की बात करें तो मिल जाता है। और इसके जस्ट बगल में लेट एंड बाथ एंड स्टेयर्स और फिर से बेडरूम, और ये आपका ओपन या आप इसे बता सकते हैं कि ये ओपन एरिया है जहाँ पर आप कुछ भी पार्किंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये तो उसकी अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर की बात होगी। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर देखिए जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको दोस्तों ये देखिएगा वही सेम टू सेम सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वही बेडरूम, वही किचन, वही लेट एंड बाथ, ये वाला बेडरूम, पार्किंग, बस आप इसे डोर के माध्यम से बाहर आएंगे और आपको ये देखिए रेलिंग मिल जाती है, छज्जा मिल जाता है 3 फिट का। उसी रेलिंग या छज्जे में मैंने दोस्तों ये लेट क्रिएट कर रखा है। केवल लेट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, टॉयलेट आपका छज्जे पे क्रिएट कर रखा है जिसके लिए डोर और वेंटिलेशन के लिए एक मैंने प्रॉपर तरीके से विंडो दिया है, इसका स्लोप दिया है, इससे आपके घर को एक और लुक देखने को मिल जाता है। लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर पर कुछ भी डिजाइन नहीं किया, चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री और ये दोस्तों गुमटी क्रिएट कर दी है, ये घर के लिए बंद हो गया है और ये पूरा रेलिंग वगैरह देख पा रहे हो। तो ये पूरा 45 फिट में हाउस प्लान रेडी हो जाता है। ये आपको कैसा लगा मैं ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट या कमेंट है तो आप हमें बता सकते हैं। कोई भी अगर रिकमेंडेशन चाहते हैं, रिकमेंडेड मॉडल चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दें। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आप इस हाउस प्लान एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। थैंक्स।